राजू दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, चंद मिनटों का इंतजार है जब कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, और ये जो फैसला आएगा वो इस पूरे मामले की आगे की दिशा को तय करेगा। तो आप कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? पहले तो दिक्कत इस बात की है कि आपके नेशनल टीवी पे बैठ के मोहम्मद साहब ने कहा कि एक कॉन्फ्रेंसी को हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसके लिए चाहे हमको जो करना पड़ेगा करेंगे। देखिए, एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण, और इन्होंने कहा कि मुसलमानों का क्या रक्तरंजित इतिहास। भाई मैं तो कह नहीं रहा हूँ, आपके पूर्वजों ने जो लिखा पढ़ी किया है उसने लिखा पढ़ी किया है कि इतने सन में इसको तोड़ा गया। अरे बाहर से आए थे, जरा उनका भी इतिहास पढ़ लो। उन्होंने दलितों पर, द्रविड़ों पर, शूद्रों पर कितना जुल्म ढाया है, उनकी जमीनें छीन ली है, उनकी खेती छीन ली है, तुम्हारा 1400 वर्ष हुआ है, 1400 साल हुआ है तुम्हारा जन्म हुए, तुम हमारे बारे में मत कहो। आज से लेकर आनंद से हम है, तो 1000 वर्ष तक तुम्हारा आतंक था, ऐसे बात नहीं होती, गलत बात है, गलत बात है। मोहम्मद अतीक जी, मोहम्मद अतीक जी, जब आप बोल रहे थे सर, अपने आपने अपनी बातें रखी, एक सेकंड रुकिए। मोहम्मद अतीक जी, मोहम्मद अतीक जी मेरे दूसरे मेहमान हैं, उनको जरा बात पूरी करने दीजिए, वो बात पूरी करेंगे तब आप अपनी बात रखिएगा। और एक सेकंड महंत जी, यहाँ पर हम किसी का इतिहास डिस्कस करने नहीं बैठे हैं सर, हम यहाँ डिस्कस करने बैठे हैं जो आज कोर्ट का फैसला आने वाला है, जो कुछ भी चल रहा है फिलहाल बनारस, इसी मुद्दे पर रहते हैं महंत जी। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, मुझको कोर्ट पर विश्वास है, अभी तक हम कोर्ट पर विश्वास कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, मुझको विश्वास है। साक्ष्य, एविडेंस, प्रमाण, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद तो आई है, इसके बाद अगर जांच की हम मांग कर रहे हैं तो मुस्लिम पत्रकार प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, इसका हम पुरजो ठीक। आप इस बात क्यों नहीं चाहते, जांच से क्यों डरते हैं, इनको क्या समस्या है, साच को क्या याच, अगर सत्य है कष्ट इस बात की है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात तो करते हैं, लेकिन वजू खाने में शिवलिंग मिलना कितना कष्टकारी है, अगर हम इसकी जांच की मांग करते हैं तो इनको तकलीफ होता है। बिलाल खान जी, इस बात का जवाब दीजिए कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात तो की जाती है, लेकिन वो तो साक्ष्यों के आधार पर अपने केस को ही तो कोर्ट के सामने रख रहे हैं, इस पर कॉन्स्पिरेंसी, साजिश जैसी बातों को कह देना, और इंतजार कर लीजिए, आपको तो विश्वास है ना संविधान पर, इंतजार करिए, कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राजू मानदास जो है वो हमेशा ये इतिहास पढ़ाते हैं, तो आपको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर मैं इतिहास पढ़ाने पर आ गया तो आप यहीं पर ही नागनगर। अच्छा, फिलहाल इतिहास मत पढ़ाइए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दा उस पर बात करिए ना, मैं सिर्फ बिलाल जी इतिहास अभी मत पढ़ाइए, मुद्दे पर रहिए, सुनिए, जो उसका मैं उसी पर आ रहा हूँ, लेकिन ये इतिहास हमें ना पढ़ाए, अगर इतिहास हम पढ़ाने पर आ गए तो ये भागते हुए नजर आएंगे। मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ ज्ञानवापी के ऊपर, जो एएसआई का, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए आप, जो भी चीजें हैं वो कोर्ट के सामने रख दी गई हैं, 2 बजे फैसला आएगा, आप इंतजार करिए, हम कानून पे भरोसा रखते हैं, हिंदुस्तान का जो संविधान है उस पे भरोसा रखते हैं, हमें पूरा जो है हिंदुस्तान के संविधान पर पूरा भरोसा है कि जो हक का फैसला होगा, जो जायज होगा वो ही आएगा, जो सर्वे में होगा, चाहे वो 4 लोग उसके फेवर में हो या 1 अगेंस्ट में हो, या हमारा पक्ष, कुछ हिंदू पक्ष अगर बात अपनी रखेगा, मुस्लिम पक्ष अपनी रखेगा, कोर्ट फैसला करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट से इनको तमाचा पड़ चुका है कि वो स्टे लगा दिया, उसके बाद भी ये करने जा रहे हैं, ठीक है, हम करते हैं वेलकम, से कानून से चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और आपके जो रूल 11(7) के अंदर आप लोगों को सुनने का अधिकार था, वो वर्शिप एक्ट हट गया, ठीक है, आपको मुबारक हो, लेकिन आगे आगे जो चीजें होंगी उसको आप इंतजार करिए, लेकिन आप उससे पहले कानून बनाने लगते हैं, हमको पूरा देश, ठीक है। बिलाल जी, आपने जो बात कही बड़ी अच्छी लगी सुनकर, कि कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है और सभी को वो फैसला मान्य होगा। पारुल, अब मेरे को एक बात बताइए, आज जो कोर्ट का फैसला आना है, क्या जो याचिका आप लोगों की तरफ से दायर की गई है उसमें सिर्फ साइंटिफिक स्टडी को लेकर बात की गई है, साइंटिफिक टेस्ट को, या फिर अगर कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जी टेस्ट होगा, तो उसके बाद दोबारा क्या आप लोगों की तरफ से कुछ बातें रखी जाएंगी कि किस तरीके से टेस्ट हो, कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक? जी देखिए, क्या है कि जब ये फुवारा बता देते हैं हमारे शिवलिंग को, तो उसकी जांच कराने के लिए कि एक सबूत इनको जो चाहिए, उसके लिए हमने ये साइंटिफिक मांग करी है कि साइंटिफिक तौर पे इसकी जांच हो। अब वो चाहे जीपीआर के माध्यम से हो, कार्बन डेटिंग के माध्यम से, आर्गन डेटिंग के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हो, बिना शिवलिंग को किसी भी प्रकार का छेड़खानी करे बिना
उसपे उसकी क्या उसका नेचर है, क्या उसका अर्घ है, क्या साइज है, क्या उम्र है, क्या प्रकृति है, सब पता करने के लिए हम कोर्ट से यही मांग कर रहे हैं कि इसका एक साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए, जिससे हमें जिससे एएसआई द्वारा एक प्रमाण सामने आए कि ये शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं है तो क्या है ये, ताकि जो ये वर्ग बोल रहा है फुआरा फुआरा, ये इनको चुप करने के लिए कोर्ट एक अपना फैसला सुनाया। आज हमारी यही मांग है, आज इसी पे ही कोर्ट फैसला देना चाहते हैं जी। देगा जी। मोहम्मद अतीक साहब, अभी आपने सुना पारुल जी बता रही थी कि क्या मांग है, किस तरीके से जांच होनी चाहिए, कम से कम इसमें जांच में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि कोर्ट यही फैसला लेगा, ये कैसे इनको पता कि कोर्ट यही फैसला कोर्ट लेगा, के फैसले का इंतजार, वो कह रही है कि अगर ये फैसला आएगा तो। बिल्कुल सुनिए, दरअसल बात ये है, मैं जज को नहीं जानती, मैं किसी कोर्ट को नहीं जानती, ये हमारी मांग है, आप इसको प्लीज किसी और तरीके से ना प्रस्तुत कीजिए, ये जैसे आप कोर्ट में मूव करें उसी तरीके से हम भी कोर्ट गए। मोहम्मद अतीक जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, ये जितने भी याचिकाकर्ता हैं पहले से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आपको पता होगा उससे पहले भी कॉन्फ्रेंसिंग क्या कहते हैं इन लोगों में जो है झगड़ा हो गया था, टूट हो गई थी, कुछ लोगों ने कहा था कि जो है याचिका वापस ली थी, फिर उसके बाद आज ये हुआ है कि एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, वो खंडित हो सकता है एक्चुअली। और मुस्लिम पक्ष को देखिए, मुस्लिम पक्ष पहले दिन से लेकर जो हमारा स्टेटमेंट है आज भी हमारा स्टेटमेंट वही है। हिंदू पक्ष याचिकाकर्ता जो है उनका स्टेटमेंट चेंज होता रहा है, उनका स्टेटमेंट पहले वो लिफाफा लेने गए थे, लिफाफा लेने के बाद जब वो रिपोर्ट बाहर आ गई तो डर गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लिफाफा वापस कर देंगे। हमारा स्टेटमेंट यही था कि वो फव्वारा है, और वो फव्वारा है, वो फव्वारा है, आज भी हम कहते हैं वो फव्वारा है, वो कोई शिवलिंग नहीं है। ये जांच करा रहे, कराते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये बताइए, पारुल जी आप दोनों बैठकर थोड़ी ना डिसाइड कर देंगे, इसीलिए तो कोर्ट में मामला गया है ना कि जांच हो जाए, ताकि पता चल जाए कि मुस्लिम पक्ष का दावा ठीक है या पारुल जी का दावा ठीक है, ये बात क्लियर हो जाए, इसलिए तो कोर्ट में मामला गया है। इसीलिए चलता था, अरे सुनिए, इनको साबित करना है शिवलिंग, हमें साबित नहीं करना है। अरे मोहम्मद अतीक जी सुनिए सर, मामला कोर्ट में गया है, अगर आपको संविधान पर भरोसा है तो आपको इंतजार करना होगा, और जांच के बाद ही चीजें साबित हो पाएंगी। मैं अगर ये मान लूं कि ये चीज ऐसी है ऐसी रहेगी तो ये तो नहीं हो सकता ना सर, इस देश में कानून है, संविधान है, वो तय करेगा ना। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, कॉन्ट्रडिक्शन है तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, हिंदू पक्ष खुद विरोध कर रहा है कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, अपने याचिकाकर्ता को पूरी समझा रहे हैं। मैं आपको यहां पे अति चली आ रही है और इसी पे यार, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको क्लियर कर देती हूं, राखी सिंह की ओर से कहा गया कि शिवलिंग खंडित हो जाएगा। सुनिए सर, सुन लीजिए एक मिनट, बाकी के चार याचिकाकर्ता का कहना है, विष्णु शंकर जैन से सुबह से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि उस पूरे शिवलिंग की हम बात ही नहीं कर रहे जो हिंदू पक्ष का दावा है शिवलिंग का, ठीक है, उसके ऊपर आपने भी तस्वीर देखी होगी, इंडिया टीवी चला भी रहा है, फिर से देख लीजिए, ऊपर सीमेंट जैसा कुछ जो नजर आ रहा है उसकी जांच की मांग की जा रही है, जो कलर अलग अलग है, नीचे काला कलर है ऊपर सीमेंट के कलर का है, उसके जांच की मांग की जा रही है, आसपास की जांच हो जानी चाहिए, इस पर कम से कम आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। नहीं तो याचिकाकर्ताओं को तो आपत्ति है सर, एक याचिकाकर्ता को तो आपत्ति है ही है, आप उस याचिकाकर्ता को कैसे समझाएंगी, आप बताएं, आप ये हमें पारुल जी हमें बता रही हैं, अपनी साथी याचिकाकर्ता को नहीं बता रही, वो तो कह रही कि शिवलिंग की जांच नहीं होनी चाहिए, उससे वो खंडित हो जाएगा, फला हो जाएगा, अरे ठीक है, आपको मजा आ रहा है, आपकी तरफ से किया जा रहा है कार्बन डेटिंग का। चलिए ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। बस चंद मिनटों का वक्त बाकी है, जब कोर्ट की तरफ से ये तस्वीर साफ हो जाएगी, वो फैसला सामने आ जाएगा जिसका हम सभी को इंतजार करना चाहिए, उसके बाद किस तरीके से इस मुद्दे पर चर्चा करनी है उसकी दिशा भी तय हो जाएगी, और ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा वो भी तय हो जाएगा। बहरहाल आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।